नमस्कार नीलेश भाई। नमस्ते। और कैसे हो? नमस्कार भाई बालाजी। नमस्कार। और आपका कैसे हो? ठीक हो आप भी? हाँ, बहुत बढ़िया। तो आपने तीनों ने परचेज किया है, किस टाइप के एनिमल्स की सिलेक्शन कैसा रहा आपका? सिलेक्शन तो अभी देख के लेना पड़ता है ना, जो ब्रीड में है। बिल्कुल। तो इसे देख के लिया है। और एनिमल्स तो हर बार की तरह आपकी इस बार भी पूरी जो एनिमल्स की क्वालिटी होती है वो आपको दिखाई दे रही होगी व्यूअर्स को, कि जो एनिमल्स लिए हैं उनकी ब्रीड क्वालिटी और जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको खुद बताते हैं कि एनिमल्स कितनी दूध कैपेसिटी के और कितना शानदार उनका बॉडी वेट है, दूध लाइन के हैं, सभी एनिमल अभी कच्चे हैं। तो एनिमल्स का रेट ये सेम इस टाइप की पिछली बार आपने ली थी तकरीबन 4-5 महीने पहले गए, तो वो कैसी रही, उनका दूध क्या चल रहा है अभी? वैसी ये दिखी तो हमने तुरंत ये परचेस कर लिया, परचेस पिछली बार दिखी थी, इसलिए क्या उसका परफॉर्मेंस अच्छा है पिछली बार ब्रीड के हिसाब से। हाँ, ब्रीड के हिसाब से तो ले ले इसको, तुरंत देखते ही फार्म में लेके परचेस कर लिया। और ये जोड़ा कितने का अभी लिया? वो तो 220 का लिया है। और अगर सीजन में सर्दी में ही ऐसा जोड़ा आपको मिल जाए तो तकरीबन, अब तो आप जानते हो आपने 2 से 2.5 साल हो गए आते हुए, तो सर्दी में ऐसी गाय जोड़ा कितने का बनता है ये बॉडी स्ट्रक्चर का? उस टाइम खरीदने का नहीं, बहुत महंगा रहते हैं। तकरीबन 3.5 लाख के आसपास जोड़ा बैठा था पिछली बार। हाँ। तो इस बार भी ये वैसा ही जोड़ा 220 में हमने लाके दिया है, और एनिमल्स की क्वालिटी, ब्रीड और कम से कम भी दोनों एनिमल्स मान के चलें तो 40+ के एनिमल्स हैं, सेकेंड टाइमर दोनों गाय हैं। दोनों चला के दिखाना जरा। ये देख लीजिए जोड़े में कैसा लगा आपको ये जोड़ा, प्लीज़ कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना आप कि हमने अपनी सिलेक्शन में इनको ये एनिमल्स प्रोवाइड किए हैं कि एनिमल्स ऐसे हों कि दूध भी दें, दूध क्वालिटी में भी, ब्रीड में भी और ब्यूटी में भी, दोनों ही एनिमल्स पूरे शानदार। ले जाओ आगे, पानी पे बांध दो आगे। और एनिमल्स देखिए आप, ये देखने में आपको लग रही होगी कि गाय टाइप है, 4 दांत में बछड़ी है, अभी तकरीबन 20 से 25 दिन का टाइम है। इसके दांत दिखाना बच्ची से, 4 दांत बछड़ी है, बांध दो। तो ये नीलेश भाई ने इस बार परचेज तो बहुत बढ़िया रही है इनकी, और भी एनिमल्स लिए हैं, तकरीबन 9 एनिमल्स हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं बस आगे। और एक ये भी तकरीबन अभी 14-15 दिन का काविंग टाइम है इसमें, सेकेंड टाइमर की, लगभग 30 से 35 लीटर की गायें। ले जाओ इधर। तो ये देखिए कितना अच्छा थानांचल है। तो एनिमल्स की क्वालिटी आप देख लीजिए कि सर्दी में भी गर्मी में पूरे एनिमल्स अच्छे साफ सुथरे और यंग एनिमल्स मिले हैं इनको। तो ये नीलेश भाई एक्सपेक्टेड कितना दूध आपको हिसाब से करेगी ये? 35 किलो के आसपास। 30 से 35 किलो तो आराम से करेगी। और 35-30 कर दिया बहुत हो। ऐसा मतलब यहाँ से तो 3-4 लीटर कम ही वहाँ पे देती है, मतलब आपके वहाँ 30 सामान के लें, और फार्मर इसका तकरीबन 1.5-1.5 लाख रुपया डिमांड करते हैं जब हम फार्म्स में जाते हैं। तो ये आपको कितने की मिली है बछड़ी? 90,000 की। और अच्छी हाई क्वालिटी की देख लीजिए गायें हैं, बिल्कुल साफ बॉडी वेट, बॉडी स्ट्रक्चर, ब्रीड के मामले में बिल्कुल आपके सामने एनिमल्स। इस टाइम भी फार्म में तकरीबन आप देख लीजिए तकरीबन 30 से 35 एनिमल है जो सेल के लिए अवेलेबल है। और थोड़ा वीडियो कई बार नहीं अपडेट हो पाती थोड़ा शेड्यूल में, क्योंकि ये ज़्यादातर टाइम एनिमल्स को संभालना, गर्मी में उनकी केयर करना और कस्टमर से डील करने में निकल जाता है। तो इसके बाद अगली गायें दिखाते हैं आपको। ये देख लीजिए एक बार, बॉडी स्ट्रक्चर में डेनमार्क की काऊ है और पूरा हैवी वेटेड एनिमल, ये देख लीजिए घुमा लो। तकरीबन 30 से 35 लीटर की दूध की क्षमता है और वर्ल्ड वाइड का सीमन लगा हुआ है। बांध दो यहाँ। तो ये कितने की ली है भैया आपने? 90,000 की। और एनिमल देख लीजिए कितना पीठ पुट्ठे का हैवी है, और पूरी बॉडी में इसके कभी ये नहीं है कि वीकनेस है किसी भी तरह से दिखाई दे रही, स्ट्रॉन्ग एनिमल है। तो एनिमल्स का एक बार आपको आइडिया लग जाएगी एनिमल किस हिसाब से हैं, कैसा बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, और अगर एनिमल की ब्रीड अच्छी है तो एनिमल दूध देने में कभी पीछे नहीं हटते, अपनी फीडिंग के ऊपर फोकस होना चाहिए,
अच्छी फीडिंग हो अच्छी ब्रीडिंग दोनों चीज़ें ही मायने रखती हैं आपके लिए।